अकार्बनिक रसायन कार्बन के अलावा अन्य यौगिकों के कार्बन के अलावा अन्य यौगिकों का रसायन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन में बनने की क्रिया की ये सब देखते थे, लेकिन अकार्बनिक रसायन में निर्माण की अभिक्रिया की तत्वों के निर्माण की उनके यौगिकों के निर्माण की अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन में इसके अलावा देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण, धातु और अधातु, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, धातु कर्म। उसके अलावा देखेंगे मिश्र धातु 10 से 12 है, धातु के अयस्क 1516 इम्पोर्टेंट है पीसीएस के लिए, और यौगिकों के फॉर्मूला और विशिष्ट नाम को देखेंगे। तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी मेंडलीफ, परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आधुनिक आवर्त सारणी मौजले हैं 118 तत्वों का वर्गीकरण, 18 समूह, 7 आवर्त। सबसे ज़्यादा धातु है, अधातु है, उपधातु है। सबसे कम परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन की है। सबसे ज़्यादा ओजी 118 है। एकलौती धातु HG पारा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व हाइड्रोजन, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो H2O, जो जल है उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। SI2 रेतीली ज़मीन है, उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु एल्यूमिनियम है। नोबेल धातुएं किन्हें कहा जाता है? AU, AG, HG, सोना, चांदी, मरकरी को। इनमें न्यूनतम अशुद्धि होती है। नोबेल गैस अधातु या अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस आर्गन होती है। आवर्त सारणी में धात्विक गुण जब बाएं से दाएं की तरफ जाती है तो घटती है, और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आती है तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की ओर जाई जाती है तो त्रिज्या या उसका आकार घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आई जाती है तो उसकी त्रिज्या और आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटता है। किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। एजी चांदी, यानी चांदी के बर्तन में या चम्मच में अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है, और एजी सल्फर से अभिक्रिया करके AgU Ag2S बना देता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब ऊपर से नीचे आता है आवर्त सारणी में तो कम होता है, और बाएं से दाएं की ओर जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर कम होती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। धातु अधातु, धातु क्या होता है? धातु ठोस होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, इससे तार खींचे जा सकते हैं, इसमें चमक होती है, गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है।
धातु के अंदर अधातु ठोस द्रव गैस के रूप में पाया जाता है। विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, तार नहीं खींचे जा सकते, गलनांक या कवथनांक निश्चित नहीं होता है और कम होता है। खनिज O2 सल्फर H2। खनिज धातु जिस अवस्था में मिलती है उसे खनिज कहते हैं, अयस्क ऊर्स। ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है अयस्क कहलाती है। तमाम के तमाम अयस्क खनिज हैं, लेकिन तमाम के तमाम खनिज अयस्क नहीं हैं। धातु कर्म मेटलर्जी, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए उसे जिस परक्रम से गुजारा जाए उसे धातु कर्म कहा जाता है या धातु कर्म कहलाता है। अपरूप एलोट्रॉप, किसी भी तत्व के ऐसे रूप रासायनिक गुण समान भौतिक गुण असमान होते हैं। भौतिक गुण यानी गलनांक कवथनांक घनत्व असमान होते हैं, जैसे हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन ग्राफीन, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। फास्फोरस के अपरूप जो हैं उसमें लाल फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस होता है, वैसे सल्फर है S4 S8। हीरा कठोरतम पदार्थ है पृथ्वी का, गलनांक और कवथनांक उच्च होता है, जालनुमा त्रिविमीय आकार होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हीरा उसे काटता है, उच्च दाब जो झेलता है, जो कोयला झेलता है उच्च ताप उच्च दाब, तो उससे हीरा निकलता है, कोयला से ही हीरा निकलता है बशर्ते वह उच्च ताप और उच्च दाब झेला हो। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, स्नेहक होता है, मृदु होता है, कार्बन या कोयला का शुद्धतम रूप ग्रेफाइट होता है। इसका गलनांक और कवथनांक ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होता है।